नवाम को डिजी लेसन्स में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत, कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट के प्रेम के सौंदर्य के अंतर्गत उद्धव प्रसंग की। इसके कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसमें चार पद दिए हुए हैं और इसमें गोपियों की दशा का वर्णन है। जब श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को भेजा गया, तब गोपियों की दशा का अवलोकन किया उद्धव ने और उससे जो प्रभावित हुए उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं उद्धव प्रसंग का पहला पद। इसकी व्याख्या करेंगे। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। मन भावन अर्थात मन को प्रिय लगने वाले श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने की सुधि यानी खबर ब्रज गांवन में, ब्रज के गांव में पावन यानी पवित्र जवे लगी। अर्थात मन को प्रिय लगने वाले श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने की खबर या समाचार, शुभ समाचार जैसे ही ब्रज गांव में गोपियों को लगा, रत्नाकर कह रहे हैं, कह रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर। ग्वालिन अर्थात गोपियों के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद के आंगन में वो सब इकट्ठा होने लगी। झुंड बना बना कर दौड़ दौड़ कर वो वहाँ आने लगी। और उझक उझक पद कंजन के पंजन पर, अपने कंजन माने कमल होता है, कमल के समान सुंदर पैरों के पंजों पर उचक उचक कर पेखी पेखी पाती पाती अर्थात पत्र पत्र को देख देख कर जो कि श्री कृष्ण ने भेजा था, छाती छुअन छवे लगी। सभी गोपियाँ अपनी छाती पर हाथ रखी थीं, अर्थात अपने हृदय पर हाथ रखकर व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही थी और वो पूछ रही थी। सभी के मन में एक ही उत्सुकता थी और उनके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सभी लगी। सभी जो है यही कहने लगी कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, अर्थात हमारे लिए उन्होंने क्या संदेश भेजा है। इस पद में ब्रज भाषा का उपयोग किया है। अलंकार उझक उझक दौर दौर, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्रृंगार रस का वर्णन है, रस श्रृंगार है इसमें, और गोपियों की आतुरता का वर्णन किया गया है। चलिए अगले पद की तरफ चलते हैं। अगले पद में ब्रज में गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर जब योग की बात उद्धव करने लगे, तब गोपियों की क्या दशा हुई उसका वर्णन इसमें किया गया है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, कहानी उद्धव के द्वारा अकह कहानी यानी जो कहने योग्य नहीं है वे बातें, क्योंकि वो योग की बातें कर रहे थे इसलिए जो नहीं सुनना चाहती थी उन्हें नहीं कहना चाहिए था वो बातें सुनकर, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अकह कहानी, कहानी का अर्थ होता है कहना, अकह मतलब जो कहने योग्य ना हो, तो कहानी तो कहने योग्य होती है इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कोउ थेरानी कोउ थाने थेरानी है। कुछ गोपियाँ कांप गईं, उनकी योग की बातें सुनकर कुछ गोपियाँ कांप गईं। थेरानी मतलब थर्रा गईं, कांप गईं। कोउ थाने थेरानी है। कुछ गोपियाँ जिस स्थान पर खड़ी थीं वहाँ जड़वत हो गईं, खड़ी की खड़ी रह गईं। कह रत्नाकर रिसानी वर्रानी को, रत्नाकर कह रहे हैं कुछ गोपियाँ क्रोधित हो गईं,
रिसानी मतलब रोष में आ गई, गुस्से में आ गई। वर्रानी को कुछ गोपियां बड़बड़ाने लगी, भला बुरा कहने लगी उद्धव को बिलखानी बिकलानी बितखानी है। कुछ बिलक बिलक कर रोने लगी, कुछ व्याकुल हो गई और कुछ जो है थकी थकी सी दिखाई देने लगी, अर्थात उनका उत्साह छीण हो गया था। को सेद सानी, कुछ गोपियां पसीने से तरबतर हो गई, शेद अर्थात पसीना होता है, पसीने से तरबतर हो गई। को भरी द्रक पानी रही, कुछ गोपियां आँखों में आंसू भरे हुए खड़ी थीं। को घूमी घूमी परी घूमी मर जानी है, कुछ गोपियां चक्कर खा खा कर जमीन पर गिर गईं। मुरझानी हैं अर्थात बेहोश हो गईं, कुछ गोपियां चक्कर खा खा कर जमीन पर गिर गईं और बेहोश हो गईं। को श्याम श्याम कह बहकी बिल्लानी को, कुछ गोपियां श्री कृष्ण कह कह कर पागल सी हो गईं, जमीन पर गिरकर लेटकर वो बिलबिलाने लगी। कोमल करे जो थाम सहमी सुखानी है, कुछ जो है अपने कोमल हृदय को थामे हुए दूर खड़ी सहमी सी दूर खड़ी हुई थी, लेकिन उनका उत्साह भी खत्म हो गया था, उनका जो तेज था वो छीण हो गया था। सुखानी मतलब सुखानी का अर्थ होता है सूखी, सूखी अर्थ है जिनका तेज छीण हो गया हो, उत्साह खत्म हो गया हो, ऐसे वो एक कोने में खड़ी हुई थी। तो इस पद में गोपियों की दशा का वर्णन है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है और उद्धव के आगमन पर योग की बातें सुनकर गोपियों के हृदय का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अगले पद में कुछ गोपियाँ तर्क कर रहे हैं उद्धव से, उद्धव के कथन योग को वो श्लेष अर्थ में ले रही हैं और उसको वो योग को संयोग समझ रही हैं। संयोग समझते हुए वो कह रही हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, हे उद्धव यदि आप मथुरा से हमें योग सिखाने आए हो, योग अर्थात वो संयोग समझ रही हैं और कह रही हैं कि संयोग की बातें करने के लिए अगर आए हो तो हे उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना, तुम ये वियोग की बातें हमसे मत करो। कह रत्नाकर दया करी दरस दीनियो, दुख दरिवे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। रत्नाकर कह रहे हैं कि गोपियों ने कहा कि यदि आपने हमें दया करके दर्शन दिए हैं, दुख दरिवे को हमारे दुखों को दूर करने के लिए आप यहाँ आए हो, तो फिर ये वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक बढ़ाओ नहीं, क्योंकि टूक टूक हिवे है मन मुकुर हमारो है। वो कह रहे हैं तुम्हारी इन बातों को सुनकर हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मुकुर यानी दर्पण होता है, मन मुकुर रूपक अलंकार है, मन रूपी दर्पण। चूंकि हूँ कठोर बैन पहन चलाओ ना, चूंकि हमारा हृदय बहुत ही नाजुक है दर्पण की तरह है और इस पर अपने कठोर बाणी रूपी पत्थर मत चलाओ। बैन यानी बाणी होता है, पहन यानी पत्थर, कठोर बाणी रूपी पत्थर मत चलाओ, क्योंकि एक मनमोहन तो बस के उजारियो मोही, एक श्री कृष्ण ने हमारे हृदय में बस के हमारे हृदय को उजाड़ दिया है, हमें इतना व्यथित कर दिया है, इसलिए हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। इस तरह हमारे हृदय को तोड़कर उसमें अनेक श्री कृष्ण की छवियां मत बसाओ, हमारा दुख और अधिक बढ़ जाएगा। यहाँ हम स्पष्ट कर देते हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह दर्पण में एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन यदि दर्पण टूट जाए तो उसमें जितने टुकड़े होते हैं उतने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय भी दर्पण के समान है और यदि अभी इसमें श्री कृष्ण की एक छवि है और जब ये टूट जाएगा तो अनेक छवियां इसमें बस जाएंगी
और हमारा दुख और अधिक बढ़ जाएगा। इसमें पद में भाषा ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया गया है, मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। गोपियों ने योग का अर्थ संयोग लिया है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, श्लेष अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे और अंतिम पद की ओर, जिसमें उद्धव जब वापस मथुरा जाते हैं तब गोपियों की दशा देखकर जो वो प्रभावित हो गए थे, वो श्री कृष्ण से वो कह रहे हैं कि यदि आपके दर्शन नहीं करना होते तो हम यहाँ लौटकर कभी नहीं आते, वहीं रहते। कह रहे हैं छावते कुटीर कहूँ रम्म जमुना के तीर, उस यमुना के किनारे पर ही कहीं हम एक कुटिया बना लेते। गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, गौन अर्थात होता है गमन, गमन करना मतलब जाना। रौन रेती रमणीय रेत को छोड़कर, यमुना की रमणीय रेत को छोड़कर कभी भी हम मथुरा की तरफ नहीं आते। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, रत्नाकर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण से उद्धव कह रहे हैं कि उन गोपियों की प्रेम गाथा के गुड़ अर्थात रहस्य को छोड़कर, बिहाई यानी छोड़कर, श्रोण रसना में रस और भरते नहीं। श्रोण यानी कानों से हम कुछ सुनते नहीं और अपनी जीभ से और किसी का वर्णन करते नहीं, उनकी प्रेम गाथा का ही वर्णन करते रहते। गोपी ग्वाल वालन के उमड़त आंसू देख लेखी प्रलयागम हूँ नेक डरते नहीं। वो कह रहे हैं वहाँ रहकर गोपियों के ग्वाल वालों के आँखों से निकलते हुए, उमड़ते हुए अर्थात निकलते हुए आंसुओं से चाहे प्रलय ही क्यों नहीं आ जाती, उसे देखकर भी हम तनिक भी डरते नहीं, हम वहीं रहते। हो तो चित चाओ जो न रावरे चितावन की, जो हमारे मन में आपके रावरे अर्थात आपके दर्शन की, चितावन अर्थात दर्शन की, चित में यानी मन में, चाओ मतलब इच्छा, मन में अगर आपके दर्शन की इच्छा नहीं होती तो तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। उस ब्रज गाँव को छोड़कर हम कभी भी इस मथुरा की तरफ अपने कदम नहीं रखते। गोपियों की दशा देखकर, उनके प्रेम को देखकर उद्धव बहुत प्रभावित हो गए थे। इसमें पद में उद्धव का ब्रज के प्रति जो अनुराग है वह दिखाई दे रहा है, मुहावरेदार ब्रजभाषा है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से उद्धव प्रसंग के ये चार पद की व्याख्या आपने समझी, हो सकता है, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए पुनः धन्यवाद।